और जो लोग कहते हैं जी ऐड अकाउंट बंद हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो उन्होंने या तो पहले कभी उनका ऐड अकाउंट उन्होंने कोई पॉलिसी वायलेशन की थी, या कुछ इस तरह के उन्होंने पेज ब्लॉक किए थे, या कुछ ना कुछ उन्होंने वायलेशन की है जिसकी वजह से उनकी आईपी जो है वो फेसबुक के पास चली गई, या उन्होंने ये कार्ड पहले किसी ब्लॉक अकाउंट के साथ यूज किया है, अगर किसी नए अकाउंट के साथ भी यूज करेंगे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन की है, या आपकी आईपी पे कोई ऐसा अकाउंट लॉग इन हुआ है कि जिनका डाटा फेसबुक के पास है, तो अगर इस तरह का इशू आपको बार बार बन रहा है तो फिर आपने अपना समझ लें कि फेसबुक का जो अकाउंट है एक नए आईपी पे क्रिएट करें, और प्रॉपरली पुराने आईपी के साथ बिल्कुल उसको लिंक ना करें, और बैंक कार्ड भी नया यूज करें, और बनाते सार ही फेसबुक की नई प्रोफाइल पे आपने अकाउंट नहीं बनाना होता ऐड अकाउंट कोई भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, कि जब वो एजेंसी क्रिएट करने लगते हैं या कोई और काम करने लगते हैं तो फौरन से एक नई फेसबुक की प्रोफाइल बना लेते हैं अपने नाम से, नए नाम के साथ, और वहां पे फिर पेज क्रिएट करते हैं, फिर वहां पे ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो वो फौरन इस तरह के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपका जैसे मेरा फेसबुक का अकाउंट है, मैंने 2009 का बनाया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 14 साल पुराना अकाउंट है, तो ऐसे अकाउंट पे जब आप पेज बनाते हैं या मेटा बिजनेस सूट बनाते हैं तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। नए अकाउंट पे इसीलिए आपका फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कि फेसबुक ये सोचता है कि अब इन्होंने जो नया ही अकाउंट बनाया है, नई फ्रेंड लिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड करेंगे मेरे साथ, क्योंकि कार्ड पेमेंट बाद में जाती है। आप चाहे 500 पाउंड की एड रन कर लें, आपको जितनी लिमिट मिल जाए, तो बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी पाकिस्तान से फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट बार बार ब्लॉक हो रहे हैं, वो ये करते हैं कि एक अकाउंट नया बनाते हैं, साथ एक कार्ड जो है किसी दूसरे कंट्री का लगा देते हैं, यूके का, यूएसए का, जिसके अंदर पैसे नहीं रखते, शुरू में थोड़े से पैसे रख देते हैं, फिर 500 पाउंड का, 1000 पाउंड का एड रन करते हैं, उसके बाद वो एड जो है डिफरेंट पेज की रन करते हैं, ब्लॉक आपका जो नया अकाउंट हो जाता है, और जो दूसरे अकाउंट में मोस्टली वो लाइक्स के लिए पेज पे ऐड रन करते हैं और लाइक्स ले लेते हैं पेज पे 500,000 बल्कि लाख लाख लाइक्स भी ले लेते हैं, और बाद में जब बिल आता है तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा दो नंबरियां हो रही होती हैं तो फिर ही कोई जो है अकाउंट जो है उनकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है। तो जिन लोगों को इस तरह के इशू आ रहे हैं तो वो पहले तो अपनी आईपी चेंज करें, अपना मतलब कि सिम चेंज करें कोई नए कनेक्शन के साथ, और कोशिश करें अपनी जो पुरानी आपकी सबसे पुरानी प्रोफाइल है उसके साथ ही फेसबुक कंटिन्यू करें, और जो इशू बन रहे हैं फेसबुक को आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व करें, उनकी अगर कोई पेमेंट आपकी ड्यू है तो वो पेमेंट आप उनको करेंगे तो फिर वो इशू नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पेमेंट्स ड्यू होती हैं, उस ऐड अकाउंट को छोड़ देते हैं, नई प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर कहते हैं जी अब फिर मेरी प्रोफाइल ब्लॉक हो रही है बार बार। तो ये आप लोग पाकिस्तान में जो लोग हरकतें कर रहे हैं उनकी वजह से जो है ना ये इश्यूज बन रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली।